हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम दोनों भाई महादेव के मंदिर पे जाने वाले हैं। तो वहाँ पे नदी है और दो मंदिर है, एक इस तरफ है और एक सामने सामने की तरफ है। तो हम दोनों भाई चलते हैं और आपको दिखाते हैं। गाइस, हम पहुंच चुके हैं, तो आपको पूरा मंदिर दिखाते हैं। चलो आगे। गाइस, हम मंदिर चलते हैं। चलो गाइस, आपने ये मंदिर देखा, तो दूसरा मंदिर नदी के उस पार है, तो हम वहाँ जाके देखते हैं सब। गाइस, मैं आपको एक बहुत खूबसूरत फूल दिखाता हूँ, गाइस देखिए। चलो गाइस, अब हम दूसरे मंदिर की ओर चलते हैं। चलो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि इधर नदी आ चुकी है। अभी तो इसमें पानी नहीं था, पहले इधर से पानी जाता था, वो लोग इधर से जाते थे। अब इसमें पानी है तो हमको कोई जाने में दिक्कत नहीं होगी। आप लोग ये देख सकते हो कितने खूबसूरत इधर पड़े हैं। गाइस, आप लोग देख सकते हो उधर सामने नहाने के लिए बनाया है। अभी तो इसमें पानी नहीं है, लेकिन जब बारिश के मौसम में जब पानी आता है तब लोग इधर नहाने आते हैं। गाइस, आप लोग देख सकते हो कितने खूबसूरत इसके पत्ते हैं। आप लोगों को नदी का व्यू दिखाता हूँ, तो उधर सब पंछी वगैरह सब है, तो चलो मैं आपको दिखा। गाइस, हम लोग आगे जा रहे हैं, तो चलो आपको दिखाता हूँ। We'll be right back.
तो गाइस आपको पंछियों की आवाज सुनाई दे रही होगी उधर सामने। तो गाइस हम लोग ऊपर जा रहे हैं, वहां सामने मंदिर है वहां पे, तो चलो मेरे पीछे हम चलते हैं। जैसे ताला लगाया गया है तो हम लोग अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर जाना मना है। तो गाइस इधर पास में ही एक छोटा सा गार्डन है, तो चलो वहां पे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हो इधर नारियल का पेड़ लगा है और इधर आम का भी पेड़ है। तो गाइस इधर आप खूबसूरत फूल देख सकते हो कितने खूबसूरत है, तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाता हूँ। गाइस आप लोग देख सकते हो इतना बड़ा बादाम का पेड़ है। तो गाइस शिव जी को हम जो बिली पत्र चढ़ाते हैं उसका भी पेड़ है, तो ये आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि इधर काल भैरव का भी मंदिर है। रखी गई है इधर कोई भी लोग आके तो बैठ सकता है। और उधर सामने ही दूसरा मंदिर है जो कि हम अभी वहां से आए हैं, तो फिर से वो मंदिर पर चलते हैं। उधर तो सब पेड़ पौधे दिखाते हैं आप। तो गाइस अभी थोड़ा बहुत सामने का मंदिर का भी व्यू बाकी है तो वो आपको दिखाते हैं। और इधर से हम चलते हैं उधर नदी के उस पार, तो चलो चलते हैं। इस मंदिर का नाम ईश्वरिया महादेव के नाम से जाना जाता है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि पूरे यहाँ पेड़ ही लगे हैं, तो इधर बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा मजा आता है क्योंकि दोनों मंदिर के बीच में ही एक नदी है, तो उधर नहाने का और सब मजा आता है। तो गाइस आपको पूरा मंदिर का व्यू दिखाता हूँ चारों ओर। देख सकते हो कि इधर भी शिव जी का पेंटर, आप लोग देख सकते हो इधर पेंटर से ओम लगाया गया है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि पीछे पूरा जंगल जैसा ही पेड़ पेड़ है। गाइस इधर वासरा दादा का मंदिर है, तो चलो अंदर आपको सब कुछ दिखाते हैं। के साथ इस चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।